तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसके मेन पार्ट्स, इसकी कंस्ट्रक्शनल डिटेल को समझेंगे और उसके बाद इसे हम क्या नाप सकते हैं वो देखेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे एक स्केल है, ऊपर एक स्केल है। नीचे वाला स्केल यहाँ सेंटीमीटर मार्क्ड है, ऊपर में इंचेस मार्क्ड है। इसको कहते हैं हम मेन स्केल, जो फिक्स है। ये पूरा हिस्सा जिसपे मैं एक दूसरे स्केल को स्लाइड कर रहा हूँ, तो जो स्लाइडेड स्लाइडेबल नहीं है, फिक्स है, वो मेन स्केल है। और इसमें ये जॉ है, फिक्स जॉ, ऊपर और नीचे, जिसमें ऑब्जेक्ट्स को हम पकड़ सकते हैं। और ये है जो स्लाइड कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे वर्नियर स्केल, जिसमें ऊपर ये फिक्सिंग स्क्रू लगा हुआ है। टर्मिनोलॉजी से आपको मैं फैमिलियर करा रहा हूँ। इसको अगर मैं टाइट कर देता हूँ तो फिर इसको स्लाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर थोड़ा बहुत खिसकाना है तो हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से खिसकाते हैं। इट इज कॉल्ड फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। और जब मैं इसको खिसका रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इधर एक स्टिक निकलती जा रही है, इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग स्टिक। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है इस इंस्ट्रूमेंट का। मेन स्केल, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ डिविजन्स मार्क्ड हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ लाइन है, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। ऊपर वाले जो जॉज हैं इनसे हम इंटरनल डायमेंशंस नापते हैं, जैसे कि इंटरनल डायमीटर। तो इन जॉज को हम क्या नाम देंगे, आप सोच सकते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरनल जॉज, क्योंकि इससे हम इंटरनल डायमीटर या इंटरनल डायमेंशन नाप सकते हैं। और इससे हम एक्सटर्नल डायमेंशन नाप सकते हैं, सो दीज आर एक्सटर्नल जॉस, इनको कहेंगे हम एक्सटर्नल जॉस। फिर ये जो आप देख रहे हैं स्टिक, अगर मुझे इस ग्लास में कितना स्टील इस्तेमाल हुआ पता करना है, तो मुझे इसका एक्सटर्नल डायमीटर चाहिए, मुझे इसका इंटरनल डायमीटर चाहिए, और फिर मुझे इसकी गहराई चाहिए, डेप्थ। तो डेप्थ नापने के लिए काम आएगी डेप्थ मेजरिंग स्टिक। इसकी एज को ग्लास से टच करके हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की मदद से इसको पूरा तब तक नीचे सरका देंगे, नीचे चला देंगे, जब तक कि वो जाकर बॉटम पे टच ना हो जाए। जब ये बॉटम पे टच हो गई तो ये हमें पता चल रहा है इतनी डेप्थ है ग्लास की, इस स्टिक की लेंथ के बराबर इस ग्लास की डेप्थ है। तो ऐसे सिचुएशन में अब इस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग बताएगी इस ग्लास की डेप्थ को, गहराई को। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर कराया, जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। अब इससे नापने की जरूरत हमें क्यों है, तो अगेन मैं कहूँगा एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए हमें वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना ही होगा। कहाँ कहाँ इसकी जरूरत हमें पड़ती है, तो लगभग हर फील्ड में। सबसे पहले तो बात करें कि आपका जो क्लास 11th का सिलेबस था या है, तो क्लास 11th में प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर इंक्लूडेड है, और यही सेम सिलेबस नीट का है। नीट में क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड। एंड सेम सिलेबस जेई मेंस का है, वहां पर भी अलग से एक प्रैक्टिकल का पोर्शन दिया हुआ है, जिसमें वर्नियर कैलिपर का नाम क्लियर कट मेंशनड है। और जेई एडवांस की बात करें तो वहां पर भी प्रैक्टिकल का एक पोर्शन है जिसमें वर्नियर कैलिपर स्पेसिफिकली मेंशनड है। और हर साल आप देखेंगे, लगभग हर साल वर्नियर कैलिपर पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कंपटीशन में मिलते हैं। तो ये तो हुई पढ़ाई की दृष्टि से जरूरत। अब अगर हम डे टू डे लाइफ की बात करें तो इसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जहां भी हम एक्यूरेसी से नापना चाहते हैं। मान लो खाती है कारपेंटर, उसको नापना है, मेजर करना है, एक्यूरेटली वर्क करना है, तो उसे वर्नियर कैलिपर्स चाहिए। स्टील वर्क हो रहा है कहीं पर, एक्यूरेसी हमको चाहिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, सिलेंडर, पिस्टन, जो बोर होता है डायमीटर, वो अगर परफेक्ट नहीं होगा तो गैसेस जो है एग्जॉस्ट गैसेस लीक कर जाएंगी, या बोले कंबशन के टाइम पे एयर फ्यूल मिक्सचर वो लीक कर जाएगा। तो हर उस जगह पर जहां पर एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, चाहे वो एविएशन इंडस्ट्री हो, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो,
जहां कहीं भी एक्यूरेसी के साथ हम नापना चाहते हैं वहां पर हमें जरूरत है वर्नियर कैलिपर्स की। तो जब भी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात होती है हम जानना चाहेंगे मिनिमम इससे कितना नाप सकते हैं, नहीं इसका लीस्ट काउंट कितना है, नापने का तरीका क्या होगा, कैसे इससे नापा जाएगा, क्या क्या नाप सकते हैं, क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे इसके बारे में।